बारिश पड़ेगा तब तक यही हाल है, तब तक यही हाल है, यही हाल है। यानी तो कम है अब, जब और जब बारिश के समय तो थोड़ा हुआ पानी होगा सब्जी, इतना पानी वहाँ से लेकर के वहाँ तक, मतलब जितना अधिक मात्रा में बारिश पड़े उतना अधिक मात्रा में जल जमा होगा, जल जमा रहेगा। अभी हम बिहार बेगूसराय जिले के अंतर्गत श्रीपुर पंचायत में है और श्रीपुर पंचायत में आपको फिर से नया दृश्य दिखा रहा हूँ। जरा ये दृश्य देखिए, यहाँ पर मतलब सड़कों पर कितना अधिक मात्रा में जल जमाव है और ना जाने यहाँ के ग्रामीणों को कितना दिक्कत होता होगा, ये तो अनुमान लगाना शायद मुश्किल पड़ रहा है। और ऐसे हम देख सकते हैं बहुत सारे ग्रामीण मौजूद हैं, तो ऐसे में हम कुछ ग्रामीण से जानकारी लेते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ? नाथो साहब। नाथो जी? नाथो साहब। अच्छा, नाथो जी है, नाथो साहब। ये कब से जल जमाव है? ये जमा हुआ है जब से ये सड़क बना है। जब से सड़क बना है? हाँ। कितना समय पहले सड़क बना है? क्या साल हो गया होता है? एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल? सिर्फ एक सेकंड। अच्छा, ये देखिए, जब तक ये कंफर्म कर रहे हैं तब तक मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं कितना अधिक मात्रा में यहाँ पर जल जमाव है और यह एक सड़क है। कितना सड़क? दो साल हुआ है। अच्छा, दो साल पहले ये सड़क बना है, फिर भी मुझे लग रहा है टूट टूट गया सड़क। हाँ। सड़क का ये हाल हो गया दो साल में? दो साल में। अच्छा, इधर यहाँ पर जल कैसे जमा हुआ? जल जमा हुआ नीचा था, वो बोला जो कि हम पानी मिट्टी देंगे, मिट्टी नहीं दे करके बोला मसाला दे करके हम उसको बराबर देंगे, कर देंगे। अच्छा, जल निकासी के लिए इधर नाला वगैरह है? कोई भी नाला नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। अच्छा, जन प्रतिनिधि से आप लोग शिकायत करते हैं? हम किसी किसको शिकायत करें? आपके जनप्रतिनिधि कौन हुए? मुखिया जी कौन हुए? जिला परिषद कौन हुए? ये सब वगैरह वगैरह जो होता है इसको सब के करते हैं सब जी, कोई नहीं मानता है, कोई नहीं मानता, कोई भी नहीं, कोई नहीं मानता। अच्छा, अभी तक आप किन से जाकर शिकायत किए हैं? मुखिया भी किए हैं, अभी सरपंच भी किए हैं। अच्छा, कहता हाँ ये चीज करता हूँ बस करते करते मतलब इग्नोर मारते हैं, समय खत्म है। अच्छा, समय खत्म है। अच्छा, ये जल जमाव आखिर होता कैसे, ये बताइए? बारिश से होता, बारिश से होता, बारिश से होता। मतलब जब जब बारिश पड़ेगा तब तब यही हाल है, तब तक यही हाल है, यही हाल है। यानी तो कम है अब, जब और जब बारिश के समय तो थोड़ा हुआ पानी होगा सब्जी, इतना पानी वहाँ से लेकर के वहाँ तक, मतलब जितना अधिक मात्रा में बारिश पड़े उतना अधिक मात्रा में जल जमाव होगा, जल जमाव रहेगा। और यहाँ देखिए ग्रामीण का क्या कहना है, और यहाँ पर तो नया दृश्य दिखा रहा हूँ, इधर भी जरा देख ले। और यह सड़क का भी ये दो साल में तो भ्रष्टाचार तो अधिक दिखने को मिलता ही है बिहार में, और मुझे लग रहा है अगर इसी तरह चलता रहा तो ना जाने कितना अधिक मात्रा में बिहार में ये डबल इंजन की सरकार शायद असफल हो रहा है अनेकों जगह पे। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, उनका कहना है कि हम मुखिया, सरपंच, जिला परिषद जो भी हैं सबसे शिकायत किए, और सबका शिकायत करने के बाद परिणाम क्या निकला आप देख सकते हैं, ये तो बताना। अच्छा, वो ऊपर में तो उनका आवाज़ मुझे लग रहा है, जब हम नहीं सुन पा रहे तो आपको क्या। अच्छा, उनसे जब शिकायत करते हैं तो उनका बार बार ना का ही मतलब कहते हैं हाँ करेंगे करेंगे बस करेंगे करेंगे करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैक्सिमम कितना समय तक लगा रहता है पानी? पानी है जब तक बारिश होगा, कम से कम एक महीना तक बारिश होने के बाद ही लगा, यही कल ही बारिश हुआ पानी देखिए है नहीं लगा हुआ, ये अब कम से कम 5 दिन 6 दिन रहेगा, अभी 5-6 दिन पानी तक रहेगा, चलता फिरता रहेगा, शादी ब्याह सब चीज हमको बेकार में जा रहा है, पानी बहने कोई साधन नहीं है, इधर कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं। और आप लोग शिकायत करते हैं तो वह असफल रहता, करेंगे करेंगे बस अभी तक होते रहता होते रहता। और देखिए, कहीं ना कहीं सही बात है, ग्रामीण का बात दबा दिया जाता है, हालांकि ऐसे में यहाँ पर कुछ और है, इनसे जानते हैं। यहाँ पे जल जमाव है, आप जस्ट उसके सामने में बैठे हैं, आपको कैसा लग रहा है? नहीं बढ़िया लग रहा है। बढ़िया नहीं लग रहा है? अच्छा, बढ़िया नहीं लग रहा है तो इसको क्या करना चाहिए जहाँ से जल हट सके? पानी हट जाए यार। हाँ, कैसे हटाएंगे यहाँ पर से जल, पानी कैसे हटाएंगे यहाँ पर? पानी हटेबे से आप बुजुर्ग हैं, फिर भी आपको पता होगा ना किस तरह हटा, आप अपना राय दे सकते हैं ना? अच्छा, नाला बनना चाहिए। और देखिए, कहीं ना कहीं हर ग्रामीण का कहना है कि इधर नाला का व्यवस्था होना चाहिए, हालांकि इधर व्यवस्था नहीं है,
तो आप लोग का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज के साथ। धन्यवाद।